वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो, अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, मगर इस बीच मुंबई के बांद्रा में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए हैं। हजारों की तादाद में ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इनका कहना है कि इनके घरों में खाने के लिए राशन नहीं है और ये लोग अब अपने गांव जाना चाहते हैं। तस्वीरों में देखिए, बांद्रा में एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी तरह मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे, मगर पुलिस ने इन्हें बल प्रयोग करके वहां से हटा दिया। ठीक ऐसा ही बांद्रा में भी हुआ। आपको बता दें कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, मगर कोरोना संक्रमण की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, सरकार ने लॉकडाउन की सीमा 3 मई तक कर दी है। मगर ऐसे में जिनके घर में राशन नहीं है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और अब वो घर से निकलकर सड़क पर उतर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया, पर जिनके घरों में राशन नहीं है, उनके लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार कम से कम इन्हें राशन तो दे कि वो घर में रहकर अपने बच्चों को खिला सके। लॉकडाउन में अभी तक शायद ही किसी को मदद मिली होगी। मदद ना मिलने की वजह से ही लोग सड़कों पर उतरे हैं और अब सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि लॉकडाउन के साथ साथ उन्हें राशन का भी इंतजाम किया जाए। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।